हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विभास वर्ल्ड। आज मैं आप लोग के साथ प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स यानी कि शुरुआती लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस। प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स तो बहुत हैं, बट सबकी बॉडी डिफरेंट है। ये सिम्टम्स उसी तरह सब में थोड़ी बहुत डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम है मिस्ड पीरियड। अगर आपके पीरियड 7 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, नहीं आए हैं, तो पॉसिबल है कि आप प्रेग्नेंट हो। यू कैन एश्योर इट बाय डूइंग ब्लड टेस्ट और बाय डूइंग प्रेगनेंसी टेस्ट थ्रू किट। दूसरा कॉमन सिम्टम है नौजिया वॉमिटिंग, जिसे ज़्यादातर हम मॉर्निंग सिकनेस से जानते हैं। बहुत सी महिलाओं में किसी भी टाइम हो जाता है ये मॉर्निंग सिकनेस, कभी मॉर्निंग में, कभी लेट इवनिंग या फिर नाइट। इट डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी टाइप। और बाकी सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट काफ़ी टेंडर हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं बिकॉज इट्स प्रिपेयरिंग इट सेल्फ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नर्चर टू योर बेबी। ब्रेस्ट की साइज भी एनलार्ज होने लगती है, बहुत ही फटीक सा फील होता है ऑल डे। यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, बेसिकली एट नाइट, क्योंकि बेबी आपका यूट्रस में इम्प्लांट होता है और ठीक उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, तो प्रेशर बनने के कारण यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो किडनीज भी वैसी ज़्यादा वर्क करती है, इसीलिए भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। बैकएक होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बहुत सी महिलाओं को ब्लोटिंग की वजह से ज़्यादा पानी नहीं पी पाते इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनने लगती है। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, स्किन इची हो जाती है। मुझे तो बहुत इचिंग होती थी मेरी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में। लेग क्रैम्प्स होते हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस, कभी बहुत रोना आ जाता है, कभी बहुत हंसना आ जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाती है। तो ये सब है प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स। ऐसी और भी वीडियोज़ मैं जल्द लेकर आऊँगी आप लोग के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू गाइस।